तो मैं जा रही हूँ अपनी बुआ सास की पोती की सगाई है और जाना है हमें करोल बाग। तो मेरा बेटा और हस्बैंड साथ जाएंगे दोनों। तो आज मैंने ये आर्टिमिशन ज्वेलरी पहनी है क्योंकि मेरा कल गोल्ड का हार बिल्कुल उसकी पत्तियाँ टूट गई है। मुझे अच्छा भी नहीं लगा पहनते समय, तो मैंने सोचा कि अब मैं आर्टिमिशन चालू करने वाली हूँ। तो देखते हैं, आज मैंने पहली बार पहनी है, वैसे मैंने कभी पहनी नहीं है, बट मैच कर रही है लेकिन हाँ साड़ी से थोड़ा मैच और कर रही छुप भी गई है। है, इतनी खास और दिख ये नहीं चीज़ है रही। ना, इसकी जो भरी हुई कढ़ाई है तो ये इससे मुझे कुछ इतना खास लग नहीं रहा। बस एक थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि हाँ गले में पहना है कुछ। हाँ बस यही सोचा कि गला भर जाए थोड़ा सा, अच्छा लगे लुक। और वैसे तो मैंने गोल्ड और आर्टिफिशियल मैच किए बस गले हैं में तो आर्टिफिशियल बाकी तो सब कुछ आपके मुंह और पर। ये इयररिंग भी गोल्ड की बनी हुई है। हेलो, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। मैं देखती हूँ कि आजकल लेडीज़ों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि समझ नहीं आता वो टेंशन क्यों लेती है। लेकिन मैं, मेरा कहना है कि कभी टेंशन लेना नहीं चाहिए, और अपना एक दोस्त बना के रखें या अपने बच्चे या अपनी सहेली या हस्बैंड, जिससे कि बातें शेयर करो। और शेयर करोगे तो आपका मन हल्का होगा और जिससे कि आपको टेंशन भी नहीं होगी और आप फिट रहोगे। तो मैंने तो अपना फ्रेंड बना रखे हैं, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं और बच्चे मेरी पूरी चीज़ों को एंजॉय करते हैं और बातों को समझते हैं और मुझे भी समझाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है समझने में भी। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने दोस्त ज़रूर रखें, मतलब दोस्त का मतलब ये नहीं, अपनी फैमिली का, तो बहुत अच्छा होगा। और हर लेडीज़ को हर जगह अपना मैरिज है या बर्थडे है या कहीं घूमने का ज़रूर निकलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा मन भी अच्छा रहता और हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहते, तो हमारा मन की बातें भी हम लोग शेयर कर लेते हैं और अच्छा भी लगता। तो मैं तो हर फंक्शन में तैयार होके चली ही जाती हूँ अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ। तो प्लीज़ आप इस बहाने, हम लोग का क्या होता है कि घूमना भी हो जाता और एक नई नई ज्वेलरी भी पहनने को मिलती है, साड़ियाँ भी अच्छी अच्छी निकल जाती हैं। तो मैं भी बहुत खुश रहती हूँ, और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी इस तरीके से आप लोग भी बने रहिए और अच्छी तरीके से अपना एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, और बाकी फिर मैं फिर मिलेंगे तो बोलेंगे। ये भी हमारा डॉग आया है, देखिए रिश्तेदार बन के इनके घर का है ना, गेस्ट है भाई। वैसे डॉगी को आना चाहिए भाई, घर का मेंबर है ये, और ये सबसे पहले यही ध्यान रखता है। पल्ला पल्ला तो इधर है, हाँ हाँ इधर देखिएगा सामने। नहीं नहीं अभी इनका वो हो गया पहले रिंग का, उसके बाद अभी हम थी ना, तो नहीं नहीं अभी एक मिनट चाहिए, पहले आप भी रिंग दे दो। पहले रिंग दे देगी वो पकड़ेगी कैसे, तो पहले आप बीच में आप पकड़ा हो वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कहते पहले दे दो। एक मिनट रुकना भाई, स्टार्ट में ठीक है, 3 2 1 स्टार्ट। भाई जरा मोटा नहीं, मैंने लस्सी है भाई, मैम थोड़ा बाल पीछे कर लो मैम, जान जान तेरे
यार देखना इधर, एक भी वेट करना, वन मोर मेरे को सेंड कर देना अभी सारी। वेट 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 वीडियो डालेंगे ना बाकी, देखो फुल वीडियो बनाएंगे। सामने हाँ जी, इधर देखो, इधर देखो, इधर चलो फिर अब चलते हैं, हम सब लोग जा रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। सामी की खींची पर सब हम लोग अपने घर जा रहे हैं और 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। ड्राइवर जी देखिए, तो हमारा ड्राइवर बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं, लेकिन मैंने इनको हमेशा बोला स्लो चलाओ, कोई बात नहीं, जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर ही तो जाना है। तो अब हम मिलेंगे कल अपने नए ब्लॉग में, कल हमारा शादी का है।